क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ त्रिशला यादव, स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी में। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर ले। हमारे देश को आजादी यूं ही नसीब नहीं हुई है, भारत की स्वाधीनता की पृष्ठभूमि में कई महान क्रांतिकारियों ने अपने देश की आजादी की खातिर खून के कड़वे घूंट पिए हैं। ऐसे एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेजों ने मरते दम तक असहनीय यातनाएं दी थी। केवल इतना ही नहीं, अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारी सूर्य सेन से इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया गया था। आंखों में स्वतंत्र भारत का सपना, मास्टर दा ने चूमा था फांसी का फंदा, चट्टगांव आर्मरी रेड के नायक सूर्य सेन ने चट्टगांव को कराया था अंग्रेजों से मुक्त, चट्टगांव ने भड़काई थी क्रांति की ज्वाला, जहां ली शरण उसी ने दिया था धोखा, फांसी से पहले तोड़ दिए गए थे दांत, उखाड़ दिए गए थे सभी नाखून। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और अमर शहीदों में तो गिने ही जाते हैं, साथ ही वो एक एक शिक्षक भी थे जिन्होंने लोगों को क्रांतिकारी का पाठ पढ़ाया। ये थे चट्टगांव आर्मरी रोड के नायक मास्टर सूर्य सेन, जिन्होंने अंग्रेज सरकार को सीधे चुनौती दी थी। सरकार उनकी वीरता और साहस से ऐसे हिल गई थी कि जब वो पकड़ा गया तो उन्हें दिल दहला देने वाली और अमानवीय यातनाएं दी गई, जिन्हें सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 22 मार्च 1894 को चट्टगांव बंगाल में जन्मे मास्टर सूर्य सेन की प्राथमिक शिक्षा और दीक्षा चट्टगांव में ही हुई। जब वो इंटरमीडिएट के विद्यार्थी थे, तभी अपने एक राष्ट्र प्रेमी शिक्षक की प्रेरणा से वो बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। आगे की शिक्षा बहरामपुर कॉलेज से बीए करने के बाद उन्हें प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के बारे में पता चला और वो उससे काफी हद तक प्रभावित हो गए। बता दें, सूर्य सेन पेशे से टीचर थे, इसीलिए उन्हें मास्टर दा के नाम से आज तक जाना जाता है। मास्टर दा ने चट्टगांव से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खुद की आर्मी तैयार की, जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिक आर्मी। धीरे धीरे 500 सदस्य इससे जुड़ गए, इनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही शामिल थे। फिर उन्हें हथियारों की जरूरत महसूस हुई। इसके बाद सूर्य सेन ने 18 अप्रैल 1930 की रात चट्टगांव के दो शास्त्रगारों को लूटने का ऐलान कर दिया। योजना अनुसार 18 अप्रैल 1930 को सैनिक वस्त्रों में इन युवाओं ने गणेश घोष और लोकनाथ बल के नेतृत्व में दो दल बनाए। गणेश घोष के दल ने चट्टगांव के पुलिस हस्त्रागार पर और लोकनाथ के दल ने चट्टगांव के सहायक सैनिक शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। दुर्भाग्यवश उन्हें बंदूकें तो मिली, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं मिल सकी। इसके बाद ये दल पुलिस शस्त्रागार के सामने इकट्ठा हुआ, जहां मास्टर सूर्य सेन ने अपनी इस सेना से विधिवत सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। 22 अप्रैल 1930 को हजारों अंग्रेज सैनिकों ने जलालाबाद पहाड़ियों को घेर लिया, जहां क्रांतिकारियों ने शरण ले रखी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी क्रांतिकारियों ने समर्पण नहीं किया और हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना से गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इन क्रांतिकारियों की वीरता और गोरिल्ला युद्ध कौशल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस जंग में जहां 80 से भी ज्यादा अंग्रेज सैनिक मारे गए, वहीं मात्र 12 क्रांतिकारी हमारे देश के शहीद हुए। इसके बाद मास्टर सूर्य सेन किसी प्रकार अपने कुछ साथियों सहित पास के गांव में चले गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हीं का एक धोखेबाज साथी, जिसका नाम नेत्र सेन था, इनाम के लालच में अंग्रेजों से जा मिला और 16 फरवरी 1933 को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस प्रकार भारत का महान नायक आखिरकार पकड़ा गया।
इस सब के बाद भी उनका एक स्वतंत्रता सेनानी तारकेश्वर दस्तीदार ने हार नहीं मानी और सूर्यसेन को अंग्रेजों से छुड़वाने की योजना बनाई। लेकिन योजना पर अमल होने से पहले ही ये भेद खुल गया और तारकेश्वर अन्य साथियों के साथ पकड़ लिया गया और 20 जनवरी 1934 को सूर्यसेन को तारकेश्वर के साथ फांसी की फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेकिन फांसी से पूर्व उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, यहां तक कि उनकी मृतदेह को भी उनके परिजनों को नहीं सौंपा गया और उसे धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की घाड़ी में फेंक दिया गया। यहां तक कि उनकी मृतदेह को भी उनके परिजनों तक को सौंपा नहीं गया और उसे धातु के बक्से में बंद करके बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया गया। स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को देखकर बॉलीवुड में खेले हम जी जान से फिल्म भी बन चुकी है। इसमें सूर्यसेन का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है और निर्देशन आशुतोष गोवारिकर ने किया है। आजादी की कभी शाम ना होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम ना होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी अगर रगों में, तब तक भारत माता का अचल नीलाम ना होने देंगे। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन करते हैं, ये आजादी वतन जो दिलाया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उन स्वतंत्रता सेनानियों और बलिदानियों को शत शत नमन जिन्होंने हमें आजादी वतन दिलाया है।